रोजगार या अन्य कारणों की वजह से अपने गृह जिले से दूर हैं तो भी अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग कर सकते हैं। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग अब ऐसे प्रवासी लाखों वोटर्स को रिमोट वोटिंग पद्धति से वोटिंग की सुविधा देने जा रहा है। 31 जनवरी 2023 तक सुझाव और आपत्तियां लेने के बाद देश भर में इसे लागू किया जाएगा, तो ये अब तक का सबसे ज्यादा क्रांतिकारी नवाचार साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में वोटिंग ट्रेड के मुताबिक भारत में करीब 30 करोड़ लोगों के वोटिंग नहीं करने की बात सामने आती रही। भारत निर्वाचन आयोग के कोई भी वोटर ना छूटे की मुहिम में प्रवासी वोटर्स की वोटिंग नहीं करने का ट्रेंड बड़ी बाधा साबित हो रहा है। क्या है वोटिंग ट्रेंड? ट्रेंड के मुताबिक एक तिहाई वोटर्स वोटिंग नहीं करते। लोकसभा चुनाव के वोटिंग ट्रेंड को देखें। 1951 के आम चुनाव में 17 करोड़ 32 लाख मतदाता थे और 45.67% वोटिंग हुई। 1957 के आम चुनावों में 19 करोड़ 37 लाख मतदाता थे और 47.74% वोटिंग हुई। 1962 के आम चुनावों में 21 करोड़ 64 लाख मतदाता थे और 55.42% वोटिंग हुई। 2009 के आम चुनाव में 71 करोड़ 70 लाख मतदाता थे और 58.21% वोटिंग हुई। 2014 के चुनाव में 83 करोड़ 40 लाख मतदाता थे और 66.44% वोटिंग हुई। 2019 के चुनाव में 91 करोड़ 20 लाख मतदाता थे और 67.40% वोटिंग हुई। इसी ट्रेंड के अनुसार 30 करोड़ वोटर वोटिंग नहीं करते। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा घरेलू माइग्रेंट वोटर्स का है। ऐसे में निर्वाचन आयोग जल्द ही देश भर में रिमोट वोटिंग पद्धति लागू करेगा। क्या है रिमोट वोटिंग पद्धति? सार्वजनिक उपक्रम की ओर से विकसित नई तकनीक वाली M3 EVM, एक रिमोट पोलिंग बूथ से बेहतर लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करवा सकेगी। रिमोट EVM या RVM सिस्टम से जहां भी है वहीं से वोट डाल सकेंगे। इसके जरिए किसी राज्य विशेष का वोटर उस बूथ से अपने गृह जिले के संबंधित विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग कर सकेगा। रिमोट पोलिंग बूथ को किसी राज्य विशेष में पायलट आधार पर बनाया जा सकता है। इस तरीके से वोटर को वोटिंग के लिए अपने गृह क्षेत्र या गृह जिले में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस नए सिस्टम का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने 16 जनवरी 2023 को प्रेजेंटेशन होगा। इस नए सिस्टम को लागू करने से पहले 31 जनवरी तक सुझाव और आपत्तियां लिए जाएंगे। यह बदलाव भारतीय निर्वाचन प्रणाली में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे जहां छूट रहे एक तिहाई मतदाता को शामिल होने का मौका मिल सकेगा, तो वहीं मतदान का प्रतिशत 80-90% होने की संभावना बन रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।